बिना पासपोर्ट वीजा लंका जाते हनुमान श्रीलंका सरकार के नया कांति श्रीलंका सरकार के नया कांति ब्राह्मणों के 10 शीश आज यदि हो तैयार कटिंग के नाई 10 गुण धन मांगते लेने के देने पड़ जाते जो होती नए जमाने में। चार पंक्तियों भूमिका के लिए बात कहूंगा कि भगवान राम की कहानी जो उस जमाने में हुई, आप सब कल्पना करके देखिए, अगर वही की वही कहानी वैसी की वैसी कहानी आज के इस जमाने में हो जाती तो क्या होता। यहां से अपना गीत लेके आता हूं कि भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में, लेने के देने पड़ जाते जो होती नए जमाने में, लेने के देने पड़ जाते जो होती नए जमाने में। अब सुन लेना कि वो राम की कहानी अगर आज के जमाने में होती तो कैसे लेने के देने पड़ जाते, लेने के देने पड़ जाते जो होती नए जमाने में। कि केवट से राम जो चरण धुलवाते आज तो मायावती दलितों का अपमान मानती। या आपकी तालियां उठनी चाहिए कि केवट से राम, अरे केवट से राम जो चरण धुलवाते आज तो मायावती दलितों का अपमान मानती। और सुपर्ण खाकी जो नाक काट लेते लक्ष्मण ममता जरूर नया आंदोलन उठानती, ममता जरूर नया आंदोलन उठानती। और सोने का हिरण राम जी जो मार देते आज पशु अत्याचार इसे मेनका बखानती, पशु अत्याचार इसे मेनका बखानती। और तालियां तो आप जल्दी बजा गए, तालियों की बात तो आ रही है। पशु अत्याचार इसे मेनका बखानती और बिना पासपोर्ट वीजा लंका जाते हनुमान श्रीलंका सरकार के नया कांति, श्रीलंका सरकार के नया कांति। और बजरंगी बजरंगी चक्कर खा जाते पासपोर्ट बनवाने में, भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में। और क्या होता साहब, तो रावण को 6 माह कांख में दबाता बाली तो मानवाधिकारों का हनन इसे मानते। रावण को 6 माह आंख में दबा वाली तो मानवाधिकारों का हनन इसे मानते। और बूटी के लिए पहाड़ ले आते जो हनुमान हिमालय के वासी एक नई रार ठानते, हिमालय के वासी एक नई रार ठानते। रावण विभीषण में लात मारता जो आज तो चुनावों में झंडे वो विरोध वाले तानते, चुनावों में झंडे वो विरोध वाले तानते। और इतनी धुआंधार पंक्ति लेके आया हूं राजस्थान से कि आपका जोरदार आशीष मिलेगा। चुनावों में झंडे वो विरोध वाले तानते और रावण के 10 शीश आज यदि हो तैयार कटिंग के नाई 10 गुण धन मांगते, कटिंग के नाई 10 गुण धन मांगते। 1000 रुपया लगते कटिंग सेव करवाने में, भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में। और क्या होता साहब कि शिव का धनुष टूटने से जो बबाल होता तो फेविकॉल उसे मजबूत जोड़ डालता। और इस गीत की सबसे खूबसूरत पंक्ति आपको सौंपता हूं कि शिव का धनुष टूटने से जो बबाल होता तो फेविकॉल उसे मजबूत जोड़ डालता। और रावण जोगी का देश खुद क्यों बनाता आज, आसाराम से अनेकों जोगी नहीं पालता। रावण जोगी का देश खुद क्यों बनाता है, आसाराम से अनेकों जोगी नहीं पालता। और सीता जी की खोज की दिशा को जानने के लिए वो बूढ़ा जाम मंत नेट गूगल खंगालता, बूढ़ा जाम मंत नेट गूगल खंगालता। और लंका की लड़ाई पीछे लड़ता सिपाही, पहले लंका की दीवारों से वो सोने को निकालता, लंका की दीवारों से वो सोने को निकालता। और स्विस बैंक में बंदर जुटते सोना जमा कराने में, भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में।
और साहब अंतिम स्पर्श जिस बात को कहने के लिए पूरा गीत लिखा गया वो आपके सामने रखता हूं। असल में कहना क्या चाहता हूं कि राम की कहानी यदि आज दोहराई जाती तो भाई भाई में ये बैर भाव नहीं होता। राम की कहानी यदि आज दोहराई जाती तो भाई भाई में ये बैर भाव नहीं होता। और ताड़ का सुबाहु उग्रवादी नहीं होते आज, कोई उग्रवाद विष भेल नहीं बोता। और जनता के ताप पाप सब मिट जाते आप, राम राज में कोई भी भूखा नहीं सोता। और राम नाम सरयू में प्राणी जो लगाता गोता, राम नाम जनता के पाप सब धोता, राम नाम जनता के पाप सब धोता। तो आओ आओ हम सब जुट जाएं, आओ राम राज को लाने में राम कहानी फिर दोहराए, आओ नए जमाने में। बहुत बहुत जिंदाबाद।